सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही वाक्य में मैं अपना नाम बताता हूं कि मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है, फिर भी बहुत सारे लोग फ़ोन करने पर नाम पूछते हैं, व्हाट्सएप पर नाम पूछते हैं। मैंने अभी तक कोई टीम नहीं रखी हुई है आपसे बात करने के लिए, तो अगर सही नंबर लगाया है तो बात हमसे ही होगी। खैर, आगे से ध्यान रखें, बहुत दिनों से साधनाओं की बात नहीं हुई है, तो साधनाओं की बात कर लेते हैं। तो क्या है कि देखिए, साधनाएं तो बहुत सारी हैं, तंत्र शास्त्रों में, आगम शास्त्रों में बहुत सारी साधनाएं दी हुई हैं। हमारे लिए कौन सी साधना उपयुक्त है, इसका निर्धारण एक योग्य गुरु कर सकता है। और जब वो सही तरीके से साधना दी जाएगी तो साधना में सफलता के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। आप किसी भी जगह से कोई मंत्र ले आते हैं, उसमें साधना करने बैठ जाते हैं और साधना निष्फल हो जाती है। उसका कारण ये है, पर आप ये कहते हैं कि नहीं, कुछ तो फायदा हुआ था, तो वो कितना फायदा होता है मैं बताता हूँ आपको। ये क्या है? पीतल का ग्लास। तो यहाँ पर पानी भरते हैं, आप पीते हैं, अब जरा इसको उल्टा कर दीजिए तो पानी यहाँ भी आता है, पानी इसमें भी भरा जा सकता है, पर कितना, बस ये अंतर है। अगर आप इस प्रकार से गिलास को भरोगे तो ये भर जाएगा और आपकी प्यास को बुझा देगा। अगर आप उल्टा रख लोगे, हाँ तो भरेगा, लेकिन कितना भरेगा ये आप भी जानते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि नहीं भाई गुरुजी, कुछ फ़ायदा तो हुआ था, मंत्र तो काम कर रहा है, कुछ फ़ायदा तो हुआ था, परंतु जो फ़ायदा मैं चाहता था वो फ़ायदा नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि जब आप, ये गिलास एक उदाहरण था, उसका कारण ये है अविधि पूर्वक की गई साधना। ज़्यादातर ये होता है कि ना किसी, देखो शिष्य तो होता है कोरा कागज, शिष्य कोरा कागज होता है, वो नहीं जानता कि क्या इसमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है उसके गुरु की, वह बताए कि मंत्र के रहस्य क्या हैं, उसमें कैसे मंत्र को द्रुतगामी बनाया जा सकता है, कैसे उसमें तेज भरा जाता है, कैसे मंत्र को जीवित किया जाता है, कैसे वो चैतन्य होता है, कैसे वो भगवान शिव के श्राप से मुक्त होता है। क्योंकि जब तक वो भगवान शिव के श्राप से मुक्त नहीं होगा आपका मंत्र, तो उस मंत्र का थोड़ा बहुत लाभ तो आपको मिल जाएगा, और जो वास्तव में लाभ मिलना चाहिए वह लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो वो सारी क्रियाएं आपको सीखनी पड़ेंगी। अब अगर आपका गुरु नहीं बताता है तो इसमें क्या कहा जा सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरे पास तो मैंने 10 साधनाएं कर रखी हैं, मैंने अमुक महाविद्या की साधना की है, मैंने ये कर डाला, मैं वो कर डाला, और फिर भी आप परेशान हैं, फिर भी आप रोते जा रहे हैं, फिर भी आप बिलबिला रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी साधना करता है, हालांकि सारे स्वरूप मेरे ही हैं, पर जिस स्वरूप में वो व्यक्ति साधना करता है तो उस स्वरूप में उसकी भक्ति को मैं दृढ़ करता हूँ। यानी कि लाभ मिलता है तभी तो आपकी भक्ति दृढ़ होगी। परंतु भगवान आगे कहते हैं कि अगर अविधि पूर्वक साधना की गई है तो वो मुझे प्राप्त नहीं होती, या मेरे किसी स्वरूप को प्राप्त नहीं होती। तो जब वो प्राप्त ही नहीं होती तो फिर
उस साधना का लाभ आपको कैसे प्राप्त होगा? सीधी सी बात है, एक साधारण आदमी से भी अगर आप नमस्ते करते हैं और उसको पता चलना चाहिए कि आप नमस्ते कर रहे हैं, तो बदले में वो भी नमस्ते कर लेगा। या किसी को आप प्रणाम कर रहे हैं तो उसको आप ये दिखा दें, बता दें कि आप में आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भावना सच्ची है, तो वो आशीर्वाद भी दे देगा। अब अगर उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला कि कब आपने प्रणाम किया है ना, या कब नमस्ते किया, तो प्रत्युत्तर आपको क्या मिलेगा? फिर दूसरी गलती आप ये करते हैं कि देवता को अपना मंत्र के द्वारा जब आप साधना करते हैं तो आप ये समझते हैं कि ये देवी या देवता ये मेरी जर खरीद गुलाम होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, देव शक्तियाँ आदिकाल से हैं और हमेशा रहने वाली हैं। मनुष्य तो कुछ काल के लिए आया और चला जाने वाला है, वो किसी शक्ति को क्या गुलाम बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसका भ्रम है। तो जब ये उसके अंदर भावना आती है तो देव शक्तियाँ उससे छुटकारा पाने की सोचती हैं, देव शक्तियाँ उससे दूर रहना चाहती हैं, ये दुष्ट व्यक्ति मेरा उपयोग क्या करेगा, ये तो दुरुपयोग ही करेगा, वहाँ पर हो जाता है। तीसरा, ये साधना विषयक नियम पता नहीं होते, और जब साधना विषयक नियम ही पता नहीं होंगे तो मंत्र मुख से तो उच्चरित होगा ही, परंतु उस मंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। कहते हैं कि जब तक मंत्र का भावार्थ न समझ पाए हों आप, अगर मंत्र का भावार्थ न पता हो, मंत्र का अर्थ क्या है, उस मंत्र को भी जपने से कोई फायदा नहीं होता। तो जो मंत्र है उसका भावार्थ भी आप समझें पहले, यह मंत्र में क्या कहा गया है, तत्पश्चात उस मंत्र का जप करें। जैसे कि प्राचीन काल में संस्कृत में बात करते थे लोग, संस्कृत विद्या आती थी लोगों को, उस समय जो मंत्र करते थे तो मंत्र पढ़ते ही उनको ये ज्ञात होता था कि ये मंत्र क्या कह रहा है। अब आजकल मंत्र तो रट डाला आपने, पर मंत्र की भावना ही पता नहीं है, तो मंत्र से लाभ कितना मिलेगा, जितने परसेंट आपकी भावना उसमें निहित होगी, जितने परसेंट आपका उससे जुड़ाव होगा, लगाव होगा, तादाद में आपकी आत्मा स्थापित कर पाएगी, उतना ही मंत्र आपको सिद्धि दे पाएगा। फिर मंत्र की सिद्धि भी वो कई चरणों में होती है, किसी को पूर्ण सिद्धि होती है, किसी को आधी अधूरी सिद्धि होती है, किसी को थोड़ी बहुत सिद्धि हो जाती है, किसी को प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है, तो वो मंत्र सिद्धि की पराकाष्ठा होती है जब प्रत्यक्षीकरण होता है। अब कोई आदमी अगर किसी से गुरु से कहे कि आपके द्वारा मैं मंत्र तो ले लूँगा, मैं आपके द्वारा साधना भी ले लूँगा, लेकिन क्या आप मुझे मंत्र सिद्ध करवा पाएंगे, कोई गारंटी है कि आप मुझे सिद्ध करवा देंगे? अब ऐसे व्यक्ति को गुरु क्या जवाब दे सकता है, क्योंकि गुरु तो क्रियात्मक पक्ष देता है, गुरु तो अपनी शक्ति का तपस्यांश देता है, मंत्र सिद्ध करना आपको है, उसमें कितना आप इन्वॉल्व करते हैं अपने मन को उस पर निर्भर करता है। तो दुनिया का कोई भी गुरु इस प्रकार की गारंटी नहीं ले सकता, आप उसके पास जाएं या ना जाएं, मंत्र सिद्ध आपके द्वारा होगा, आप उसको सिद्ध करेंगे, गुरु उसका क्रियात्मक पक्ष आपके सामने रखेंगे, आने वाली बाधाओं को दूर करने का मार्ग बताएंगे, आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे, वो सब करेंगे, परंतु कूदना आपको है तालाब में, तैरना आपको है। जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए किसी भी गुरु को दोष क्या देना और क्यों देना, अच्छा हो कि विधिवत मुझे पूरे तरीके से, पूरे विधि विधान से, और मंत्र में ये नहीं चलता कि वहाँ पर न्यूनता कर दी, खर्चे भी आते हैं उसमें अनुष्ठान में,
उसमें न्यूनता नहीं होनी चाहिए, पूर्ण विधि विधान से मंत्र को करना चाहिए और सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। हरिओम।